नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लिस्ट हुआ था 500 के आसपास। उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को फॉलो किया था एंड टॉप ट्रेड किया था नियरली 1750 के आसपास। एंड जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस क्या कैरेक्टर है, प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है। एक्चुअली देखिए प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड करने के बाद इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो किया था। इस दोनों ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये डाउन ट्रेंड चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास प्राइस जब भी जा रहा था ना, प्राइस को यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। एंड जब भी लोअर बाउंड्री के आसपास आ रहा था, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। एंड स्टॉक का प्राइस जो लिस्ट हुआ था 500 के आसपास, जो कि मेजर सपोर्ट था, एक्जैक्ट देखिए उसी लेवल के आसपास प्राइस यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया, कंसोलिडेशन किया। उसके साथ स्टॉक का प्राइस का जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा था, इस डाउन ट्रेंड चैनल का अपर बाउंड्री एक रेजिस्टेंस, जिस लेवल से देखिए प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। एंड एक्जैक्ट देखिए उसी लेवल के आसपास प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस उसका जो प्रीवियस हाई 600 को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बुलिश मोमेंटम एक्टिवेट हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर मार्क कीजिएगा 600। अबव 600 स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा। उसके साथ यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चैनल है ना, उसको ब्रेकआउट को कंफर्म कर देगा। एंड इस टाइप का सेटअप में नॉर्मली स्टॉक का प्राइस स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्म कर लेता है। एंड आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस टेस्ट करेगा 790। ये बनेगा पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट बनेगा नियरली 1300। एंड जो थर्ड टारगेट बनेगा वो बनेगा लाइफ हाई का अबव 1750 का। ओके, इस तीनों टारगेट को टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये बुलिश सेटअप तभी एक्टिवेट होगा जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ब्रेक करेगा 600 को। जब तक 600 को प्राइस ब्रेक नहीं करता है, तब तक चार्ट यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। अबव 600 यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। उसी केस में उसका प्रीवियस स्विंग लो वो बनेगा स्टॉप लॉस, जो कि बन रहा है बिलो 495। जैसे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 600 को ब्रेकआउट कर देगा, उसी केस में इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 495, जो लेवल बनेगा आर्क्ट एज ए स्टॉप लॉस। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अबव 600 बुलिश मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए FI शेयर होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। 16.8% से 17.5% तक इंक्रीज कर चुके हैं। तो FI का अग्रेसिव बाइंग दिखाई दे रहा है, उसके साथ टेक्निकल सेटअप अबव 600 यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी मैनेज कीजिएगा, स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा और एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप रिजल्ट एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।